विंड सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश। जहांगीरपीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले 6,000 रूपए पर स्क्वायर यार्ड, शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी, तो जल्द से जल्द हमसे रब्त अदा करें। विंड सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, बिहाइंड चॉइस फंक्शन हॉल, VIP कॉलोनी, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हिट्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। रियासत महाराष्ट्र में मुस्लिम रिजर्वेशन पर हुकूमत का तजाहुल तश्वीशनाक। इस मसले पर वो लोग भी खामोश हैं जो मुसलमानों से हमदर्दी का दावा करते हैं और इनके वोट भी हासिल करते हैं। ये बात सदर महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी रुकन असम्बली अबू आसिम आजमी ने कही है। अबू आसिम असम्बली के जारी अजलास के मुवाहसे में हिस्सा लेते हुए मुस्लिम रिजर्वेशन की मांग किया। इन्होंने कहा कि मुल्क में अगर यही जहनियत रही तो मुझे डर है कि इस सदी में ना फिर कोई अब्दुल हमीद होगा ना कोई अब्दुल कलाम होगा। अबू आसिम ने मजीद कहा कि अदालत ने मुसलमानों को एजुकेशन में 5% रिजर्वेशन देने को कहा है। अगर BJP के इत्तेहादियों ने अपनी रियासतों में मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया है तो महाराष्ट्र में रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया जा सकता। अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र के विधानसभा में इसी हाउस में 2009 से 2013 के सेशन में मुसलमानों का रिजर्वेशन पास हुआ था। अध्यक्ष महोदय, वो रिजर्वेशन जब पास हुआ तो सब कुछ देख भाल के हुआ था कि कौन से कैटेगरी में हो सकता है, कौन से कैटेगरी में नहीं हो सकता। अध्यक्ष महोदय, कुछ लोग कोर्ट में गए, कोर्ट ने कहा कि मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन इमीडिएट दे दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, वो दिन है और आज का दिन है, आज तक रिजर्वेशन मिला नहीं। इस हाउस में मराठा रिजर्वेशन की बात होती है, OBC रिजर्वेशन की बात होती है, लेकिन जो लोग हमारा वोट भी लेना चाहते हैं वो भी हमारे रिजर्वेशन में बात नहीं करते। अध्यक्ष महोदय, आज चंद्रबाबू नायडू से अब्बू आजमी जी काय म्हणतात का काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी वोट घेतं पण ते बोलत नाही याच्यावर, तर बोललं पाहिजे ना त्यांनी। अध्यक्ष महोदय, आज चंद्रबाबू नायडू नीतीश कुमार से अलायंस है, वो BJP के साथ में वहां पे। अध्यक्ष महोदय, वो रिजर्वेशन दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, नीतीश कुमार रिजर्वेशन दे रहे हैं सर, बिहार में रिजर्वेशन है, कर्नाटक में रिजर्वेशन है, कौन सा लॉ ऐसा है कि जो महाराष्ट्र में रिजर्वेशन नहीं दे सकता। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है। मैं अब ये आखिरी दिन है अध्यक्ष महोदय, कल के बाद से खत्म हो जाएगा और नया इलेक्शन होगा। आने वाले लोगों से मैं कहना चाहता हूं, अगर आश्वासन नहीं दोगे तो फिर याद रखना ये समाज बहुत क्रोध में है। अध्यक्ष महोदय, हम ही को कातिल कहे कि दुनिया हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही को कातिल कहे कि दुनिया हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे और ये पानी हम ही पे हराम होगा। अध्यक्ष महोदय, अगर यही जहनियत रही तो मुझे इस बात का डर है कि इस सदी में ना कोई अब्दुल हमीद होगा ना कोई अब्दुल कलाम होगा। मेरा निवेदन अध्यक्ष महोदय कि हम इस मुल्क में रहते हैं, हम इस मुल्क के डेवलपमेंट में काम करते हैं, अगर महाराष्ट्र में मुसलमानों के साथ नाइंसाफी होगी तो महाराष्ट्र कभी भी विकसित राज्य नहीं कहा जा सकता, डेवलप कंट्री नहीं कहा जा सकता। महोदय, इस बात का मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ऑर्डर कीजिए, मुसलमानों को इंसाफ मिलना चाहिए। धन्यवाद महोदय। अध्यक्ष महाराज, सन्माननीय सदस्यांनी अतिशय एक संवेदनशील आणि महत्त्वाचा मुद्दा मांडला। मी सन्माननीय सदस्याला हे सांगू शकतो की मुस्लिम धर्म में जो पिछड़ी जातिया है, वो पिंजारी है, बाकी है, उनको आरक्षण अभी भी मिल रहा है। अपने संविधान में पिछड़े और एक मिनट संवेदनशील मुद्दा है ना, अपने संविधान में धर्म के आधार पे आरक्षण नहीं है। सुनो तो पूरा सुनो ना भैया। इसके पहले जिन राज्यों ने मतों के लिए ऐसा आरक्षण दिया, अपने भी राज्य में यह प्रयोग हुआ था, वो सभी आरक्षण अगर हम न्याय व्यवस्था पे और संविधान पे विश्वास रखते हैं तो कोर्ट ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा है कि धर्म के आधार पे नहीं दिया जा सकता। उसके बाद चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, भारत माता का सपूत है, हम सब भाई भाई है,
इसी आधार पे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% जो आरक्षण दिया गया नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, इसका कारण वो था कि चाहे देखो आरक्षण का आपको आवश्यकता नहीं है, मगर मुस्लिम धर्म का कोई पिछड़ा व्यक्ति होगा तो वो कोई धर्म संविधान में धर्म को आरक्षण नहीं है तो क्या पिछड़ा रहे क्या, उसको जीने का अधिकार नहीं है क्या? तो मोदी जी ने कहा हाँ, उसको भी उसकी गरीबी ये उसको बेसहारा बनाने के लिए कोई कारण नहीं बननी चाहिए। और इसलिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को भी दिया। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में अभी ये 1500 रुपए की योजना है, ये कोई जात पे है क्या? कोई रास्ता बनता है कोई जात पे है क्या? जो हमने हज अनुदान को एजुकेशन में देने का निर्णय किया है, मैं आपको भाई साहब बताता हूं, ये वोटों की राजनीति के चक्कर में धर्म धर्म में मत करो, हम सब एक है, भारत माता के सपूत है।